भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, मनुष्य का मतलब है जो पूरे विश्व का सेवक हो। ये भावना राजा मनु ने पूरे विश्व को प्रदान की और ये वही सेवा की भावना है। क्या मनु ने सोचा, सोचो भाई, जिसके 10-10 रिश्तेदार भगवान हो उसको अलग से भगवान देखने की क्या गरज पड़ गई। ये मनु परेशान, बहुत परेशान। गोस्वामी जी कहते हैं कितना परेशान, बोले सोई मनु राज कीन बहु काला, सोई मनु राज कीन बहु काला। बहुत काल तक शासन किया और काल तक शासन करते करते दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि घर में रहा नहीं जा रहा है। गोस्वामी जी कहते भवन बसत भाचौ थपन भयो न विषय विराग, हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भक्ति बिन, बिना भगवान के भक्ति के मेरा जीवन चला गया, क्या करूंगा इस भवन में रहते रहते। बताओ बिना भक्ति के मनु जी भवन में रहे, बिना भक्ति वालों को भगवान दर्शन देते हैं क्या? सपने में दर्शन नहीं देते। और 10-10 बार इनके सामने आए फिर भी मनु कह रहे हैं मनी मन कि मैं बिना भक्ति के रह गया, मुझे भक्ति नहीं मिली, मैं भक्त नहीं बन पाया। ये है भक्त की विशेषता, ये उत्तम भक्त की विशेषता है। भक्त कभी अपने आप को भक्त नहीं मानता, भक्त जो है वो कभी अपने आप को भक्त नहीं मानता, और जो अपने आप को भक्त मानने लग जाए समझ लो वो भक्त नहीं है, वो भगत है, भाग रहा है। लेकिन भक्त कौन? बोले जिसका भगना बंद हो जाए उसको कहते हैं भक्त। कबीर दास कहते हैं मेरा भगना बंद हो गया, भगते आयो भग गयो, भगते बचान कोय, भगते भगते भग गयो तो पुनर्जन्म ना होए। यदि भगने से बचना है तो भगत बनो, और भगत बनने का मतलब मैं भगत हूं ये पता नहीं चलना चाहिए। तुम सो जाते हो तो तुमको पता रहता कि मैं सो गया हूं, ठीक उसी प्रकार जब भक्ति आती है तो पता नहीं चलता है कि मैं भक्त बन गया हूं। और जिसको पता चल रहा है समझ लो नौटंकी कर रहा है। अब नौटंकी करे या भक्ति वाले में बड़ा खतरनाक होते हैं, एक से एक ड्रामा करते हैं, एक से एक भगवान के सामने जाएंगे, दुनिया भर का ड्रामा करेंगे, लेट के प्रणाम करेंगे, वैसे जहां अब अंगुली चूमते ऐसे पांव पर एक बांध, आजकल नवा फैशन शुरू है ऐसे की पांव अंगुली चूमते जूठा पूठा हाथ, अरे काज इसने पांव पर थे तो ये भगत के लक्षण न, ये दिखावा है। भगत कभी उस हृदय से विचार करेगा, भाई मैं हाथ को चूम रहा हूं मेरा हाथ जूठा हो गया, मैं भगवान की क्या सेवा करूंगा। भगत एक एक चीज को ध्यान देता, ये डुप्लीकेट भगत है। हाथ को चूमते हैं, अब प्रणाम करते हैं, ऐसे 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 गलत कर दी, पर कोई ठिकाना है ये कोई प्रणाम करने का, ये क्या है ऐसे ऐसे दोनों ढा, कौन ढा रहता है, दिमाग ढा रहा है कि दिल ढा रहा है, कौन ढा रहा है, एक ढा रही प्रणाम करने का तरीका, ये भगत का लक्षण है। ये डुप्लीकेट भक्ति वाले लोग हैं, इनके जीवन में सदाचार नहीं है, इन्होंने गुरु से भक्ति प्राप्त नहीं की है, मनमुखी भक्ति। आरती चल रहा था, आरती में एक ऐसे डुप्लीकेट भक्ति वाली माता जी केला लेके पहुंच गई, आरती चल रहा था, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, यह है डुप्लीकेट भक्ति। अब बड़ा रोवा भारी ना आरती में रोए बिचारी, दुनिया वाले सोचे कि बड़ा भक्ति न है, बहुत भारी भक्त है। आरती हो रहा था, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। उतने में वो आधा दर्जन केला लेके आई थी, उसमें 3 ठो सड़ा केला था, 3 ठो बढ़िया केला था। उसने सोचा अब आरती तो चल ही रहा है, सब लोग सोच ही रहे कि हम अच्छे भगत हैं, तो अपना नुकसान क्यों करें, 3 केला सड़ा है, 3 केला बढ़िया है, सड़ा वाला केला भगवान के लिए छोड़ दो, बढ़िया केला को अपने झोली में डाल दो।
आरती चलते में उसने तीन सड़ा केला छोड़ दिया, बढ़िया केला निकाल के झोली में डाल ली। अब आरती पंडित जी देख लिए, अच्छा मैं इसको भक्तिन समझ रहा था, ये तो बड़ी चतुर है, सड़ा केला भगवान के लिए छोड़ दी, अब बढ़िया केला खुद रख ली। उसने कहा, बोले रुको रुको भाई, आरती बदल गई है क्या? बोले तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण संग सड़ा केला। ओ जय जगदीश रे, तेरा तुझको अर्पण संग सड़ा केला, सड़ा केला तेरा और बढ़िया केला मेरा। ये भक्ति थोड़ी है, सड़ा हो चाहे अच्छा हो सब कुछ आपका, अच्छा अच्छा हमारा और बुरा बुरा भगवान ने बिगाड़ दी, क्या कर दे कुछ है कि नहीं। ये भक्ति नहीं, ये बदमाशी है, ये दिखावा है, ये ढोंग है, इसको भक्ति नहीं कही जाती, ये भक्ति का लक्षण नहीं। मनु को पता ही नहीं है कि मैं भगत हूं, इसलिए तो मनु कह रहे हैं जन्म गयो हरि भगत बिन, बिना भगवान के मेरे जन्म चला गया, क्या मतलब हुआ मनुष्य शरीर पाने का। ऐसी बात नहीं है कि मनु के पास भक्ति नहीं है, तभी तो 10 बार भगवान दर्शन दिए, लेकिन मनु के मन में एक बात है, क्या? बोले भगवान मेरे भाई बन के आए, भगवान मेरे बाप दादा बन के आए, भगवान मेरे नाती बन के आए, भगवान मेरे पोता बन के आए, लेकिन भगवान मेरे बेटा बन के नहीं आए, एक रिश्ता बचा है, क्या? बोले भगवान मेरे बेटा बन के, एक बार भगवान को बेटा बना लो। लोगों ने कहा, वाह रे मनु महाराज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतने बढ़िया बेटा तुम्हारे, निपुत्तान पात सुत जासु, ऐसा बेटा है? बोले राजा मनु कह रहे हैं कि बेटा मैं तुमको सब कारोबार सौंप रहा हूं, लेकिन उत्तान उपात लेने को तैयार नहीं है, बार बार देने को कह रहे हैं लेकिन लेने को तैयार नहीं। अब आजकल तुम्हारे देने के पहले ही ले लेता है, लूट लिया जाता है, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, निकलो घर से बाहर, लेकिन ये वैसा बेटा नहीं है, सुपुत्र है। इतना उत्तम बेटा पाने के बाद भी फिर से बेटा चाहते हो? मनु ने कहा, मैं काम का बेटा नहीं चाहता, मैं राम का बेटा चाहता, मैं वासना का बेटा नहीं चाहता, मैं उपासना का बेटा चाहता हूं। ये बेटा वासना से पैदा हुआ है। मनु और शत्रुपा ने मैथुनी सृष्टि से संतान उत्पन्न किया, इसका मतलब वासना से संतान पैदा किया। मनु कहते हैं, मैं उस बेटे की बात नहीं कर रहा हूं जो वासना से पैदा हो, मैं उस बेटे की बात नहीं कर रहा हूं जो काम से पैदा हो, मैं उस बेटे की बात कर रहा हूं जो उपासना से पैदा हो, जो राम सा पैदा हो। मुझे उपासना का बेटा चाहिए, और उपासना के बेटा कौन? उपासना के बेटा है राम। राम जी उपासना में पैदा होते हैं, याद रखना। राजा मनु भी 80,000 साल के हो गए हैं, नंद बाबा भी 80 साल के हो गए हैं, नंद बाबा, और राजा दशरथ भी 60,000 साल से ऊपर के हो गए हैं। ये सब सीनियर सिटीजन हैं कि नहीं है? ईमानदारी से बताओ, हैं कि नहीं है? बूढ़े हो गए कि नहीं हो गए? इस उम्र में किसी का बेटा होता है? होता है क्या? नहीं होता ना, पहले होता था, पहले बढ़िया शुद्ध देसी घी खाते थे, 150-150 साल जिंदा रहते थे। हमारे छतरपुर, जहां हम जिस छतरपुर के महंत हैं इस समय खजुराहो के पास, उस छतरपुर को बसाने वाले महाराजा छत्रसाल 80 वर्ष की उम्र में 82 युद्ध लड़ा, जिसमें 60 युद्ध जीते, समझे कि नहीं समझे? 82 साल की उम्र में, 80 साल के उम्र में घोड़े में बैठ करके शत्रुओं को तलवार से चीर देते थे। आजकल 80 साल में घोड़ा में बैठे कार में नहीं बैठे सके, एम्बुलेंस में बैठा पड़ी। आजकल का आदमी 80 साल में एम्बुलेंस में बैठता है, और उस समय का आदमी घोड़ा में बैठता था, अंतर है कि नहीं?
खाना पीना जीवन रहनी सहनी। अभी भी 111 वर्ष के हमारे महंत श्री राम बालक दास जी महाराज हैं, 6 घंटा व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, एक भी दांत नहीं खराब है, चश्मा नहीं लगा है, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, 111 वर्ष की उम्र है उनकी। शुद्ध रहनी, शुद्ध सहनी, शुद्ध खान पान, इसका प्रभाव होता है। 80 वर्ष की उम्र में फिर भी ये वासना का उम्र नहीं है, ये उपासना का उम्र है। किसका उम्र है? और भगवान इनको मिले क्यों? क्योंकि भगवान वासना वालों को नहीं मिलते, जवानी में भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं तो बुढ़ापा में। प्यारे, जवानी सबको मिल सकती है लेकिन बुढ़ापा मिलना कठिन है, क्योंकि इनको मिले हैं भगवान सबको बुढ़ापे में। दो स्थिति है, बचपना या बुढ़ापा, भगवान बचपना में मिलते हैं या फिर बुढ़ापे में मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों समय वासना नहीं होती, केवल उपासना होती है। इसीलिए कौमारे आचरित प्राज्ञः, बालकाल में भक्ति होती है या फिर बुढ़ापे में होती है, लेकिन आजकल बालपन खेल में चला गया, जवानी नींद में सोए, अब बुढ़ापा में बैठ के खांस खांस के समय खोए, इसके सिवाय कोई काम नहीं। बुढ़ापा में भगवान में भजन में मन नहीं लगता, समाचार सुन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, दुनिया के प्रपंच में बैठे हैं, भजन में मन नहीं लगता है। अब क्या होगा? अब तो सब तरफ से चौकन्ना मामला चौपट हो चुका है। भगवान चाहे मनु हो, चाहे दशरथ हो, चाहे देवकी वसुदेव हो, चाहे नंद बाबा हो, सबको बुढ़ापे में मिले, क्योंकि बुढ़ापा उपासना का होता है और भगवान वासना से नहीं, भगवान उपासना से मिलते हैं, इसलिए भगवान सबको बुढ़ापे में मिलते। इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि मैं बेटा लेने नहीं जा रहा हूं, मैं काम के लिए नहीं, मैं राम के लिए वन में जा रहा हूं।